आप भी जब पापड़ी बनाते हैं और ठंडा हो जाता है तो पूरी की तरह नरम पड़ जाता है, और चाट बनाकर खाते हैं तो मजा नहीं आता है ना। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये क्रिस्पी सी, कड़कड़ी सी और एकदम खस्ता सा पापड़ी बहुत ही आसान तरीके से बना है, और इसे स्टोर कर आप 10 से 15 दिनों तक रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल करे कि हमको चाट खाना है दही पापड़ी वाला, तो इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कप मैदा ले रहे हैं और आधा कप हम यहाँ पे सूजी ले रहे हैं। आप कोई सा भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेस्पून के करीब ऑयल। हाँ जी, कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, घी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी इस्तेमाल करेंगे तो खस्ता होगा और ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो क्रिस्पी होगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद क्रश कर इसमें अजवाइन डाल दीजिए, इससे डाइजेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और आपका पापड़ी भी स्वादिष्ट हो जाएगा। और इसमें पानी डालकर सॉफ्ट सा हम डो लगा लेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा डो ना बहुत अच्छे से लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी डो लगा लीजिए, और ये हमारा डो एकदम रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारा डो एकदम नरम है, तो बस इसे क्या करना है कि 2 भागों में कट कर लेना है इस तरीके से। और इसे हमें आसान तरीके से पापड़ी बनाना है, तो बस इसे हम रोटी की तरह बेल ले रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली घर पे रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे बेल लेना है। ना तो आपको छोटी छोटी लोई करने की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारा झंझट की ज़रूरत है। और ये रोटी बन गया हमारा, आप इसकी थिकनेस देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है, जैसा रोटी होता है वैसा ही है। और इसे हम क्या करेंगे, फॉर्क की मदद से प्रीक कर लेंगे। फॉर्क की मदद से प्रिक करने से क्या होगा कि आपका पूरी एकदम क्रिस्पी होगा, ये फूलेगा नहीं, और जब फूलेगा नहीं तो पूरी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी सी होगा। इसे स्टोर कर 10 से 15 दिनों तक रख भी सकते हैं। और ये देखिए, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे प्रिक कर लिया है ना आसान। तो इसे हम कट कर लेंगे, आप कोई भी कटर से या छोटा ऐसा ग्लास उससे भी कट कर सकते हैं, और इसे एकदम मार्केट वाले भैया के जैसा ही कट करना है। और ये हमारा कट हो गया है, तो बस इसे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल दे रहे हैं, और इसका भी हम बना लेंगे पापड़ी। और ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा पापड़ी रेडी हो गया है, और इस तरीके से ही बहुत सारा पापड़ी हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल को गरम किया है, ये तेल बहुत गरम नहीं है, मीडियम गरम है, और मीडियम गरम पे हम अपने पापड़ी को डाल देंगे। और यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, और लो रखते हुए इसे हमें 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, अलटते पलटते हुए। आप हाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पूरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वही पूरी एकदम नरम हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनाना है, हमें तो बनाना है कुरकुरी सा पूरी। तो ये देखिए, अलटते पलटते हुए हम एकदम गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, और गैस का फ्लेम एकदम लो था, तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वेज का भी फ्राई कर लेंगे, और इसे हम निकाल लेंगे पैन से, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। और ये हम निकाल ले रहे हैं, और इसे हम निकाल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और निकालने के बाद हम दूसरे बेच का भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस ये है कि पूरी को इसमें डालना है और गैस के फ्लेम को लो रखना है और 5 मिनट तक फ्राई करना है, और ये क्रिस्पी सी कुरकुरी सी हमारी पूरी बनकर रेडी हो गई है। तो ये पापड़ी आप 10 से 15 दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। ये बहुत ही करारी है, क्रिस्पी है, और इसे जब भी आपको चाट बनाने का मन करे तो बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, एकदम मार्केट जैसा फील आने वाला है। तो आप लोग भी अपने घरों पे इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कमेंट में ये बताइए कि हमारी पापड़ी आपको कैसी लगी।